तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासत अपने चरम पर है और इन सब के बीच डीडी न्यूज संवाददाता धीरज कुमार ने पुणे शहर में पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव हुआ और विकास के कौन कौन से कार्य हुए इसको लेकर लोगों से खास बातचीत की। वटेश्वर में हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीते सालों में इस शहर ने क्या क्या नई चीजें देखी है, क्या बदलाव देखा है। देखिए आप, अगर हम बीते सालों की बात करें तो इस शहर ने क्या क्या देखा है, क्या बदलाव आपने महसूस किया है? अभी तो फिलहाल पूना में मेट्रो स्टार्ट हुआ है और नया एयरपोर्ट भी आया है और पूना में काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, काफी सारे कंपनीज आ रहे हैं पूना में। तो क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन से हूँ तो मैंने वो पूरा ट्रांजिशन देखा हुआ है। तो अभी तो देखा जाए तो रोड वोड भी अच्छा कर दिए, अभी सीमेंट रोड भी डाल रहे हैं तो उसके चलते बारिश में इतना मुश्किल नहीं होता है आजकल, तो बदलाव तो बहुत अच्छा हुआ है पुणे में। फॉरेन कंसेप्ट जो हम अपना रहे हैं आई थिंक दैट इज प्रिटी गुड, कि जो भी है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टडीज, थोड़ा सा मैनेजमेंट स्किल्स और बच्चों का वो बढ़ता जा रहा है, तो आई थिंक दैट इज गुड। एक जो ऐसी चीज है पुणे शहर ने जो हासिल की है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, जिस तरीके से आज इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे में डेवलप हो रहा है। एक बेनिफिट पुणे शहर को ये था कि हमारे पास मुंबई की तरह हमें जगह की तकलीफ नहीं, तो जगह की तरह जिस तरीके से पुणे शहर ने चारों दिशाओं में ग्रोथ की है और आज जिस तरीके से रिंग रोड की बातें चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बातें चल रही हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने की बातें चल रही हैं पुणे शहर के लिए, एजुकेशन वाइज कहें उसको या फिर MIDCs जितनी एक्सपांड हो रही हैं पुणे के आसपास, मुझे नहीं लगता कि और किसी स्टेट के आसपास इतनी किसी डिस्ट्रिक्ट के आसपास इतनी ज्यादा MIDCs हैं जितनी पुणे के आसपास है। महिलाओं के लिए ये अच्छा हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब हो गए हैं तो उनको ये सुविधा हो गई है कि वो जॉब नहीं छोड़ते। मतलब पहले ऐसा था कि आफ्टर मतलब पेरेंटिंग के लिए उनको जॉब छोड़ना पड़ता था, बट IT की वजह से अभी वो उनको जॉब नहीं छोड़ना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बात ट्रैफिक की समस्या की हो, बात IT सेक्टर की हो, बात युवाओं के रोजगार की हो, बीते वर्षों में इस शहर ने काफी बदलाव देखा है और कहा जा सकता है कि पुणे शहर रोजगार के हब के रूप में उभर रहा है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD News, पुणे। और हमारे संवाददाता योगेश शीतल फिलहाल